मोहनिया में सुबह 7 बजे से होगी 5वें चरण के वोटों की गिनती। एग्जिट पोल के अनुसार मोहनिया प्रखंड में बहुतायत में दिखेंगे नए चेहरे। कैमूरन्यूज.कॉम पर भी देख सकते हैं चुनावी नतीजे। कुदरा हाई नेशनल पर NHAI ने दुर्घटना रोकने के लिए भवा मोड़ के पास किया बैरिकेडिंग। वैकल्पिक रास्ता न होने से लोग जान जोखिम में डालकर भी पार कर रहे हैं हाईवे। रामगढ़ बाजार में नामांकन को लेकर पूरे दिन लगा रहा भीषण जाम, गूंजता रहा जिंदाबाद। रामगढ़ ब्लॉक परिसर में प्रत्याशियों और समर्थकों की उमड़ी रही भारी भीड़। नुआओं के बड्डा गांव में फेसबुक पर बोलेरो गाड़ी बेचने का झांसा देकर एक युवक से 91,000 रूपए की हुई ठगी, पीड़ित ने लगाया गुहार। कैमूर में आए दिन हो रहे हैं साइबर अपराध के मामले, फर्जी झांसा देकर ऑनलाइन लूटे जा रहे हैं पैसे। दुर्गावती में पिपरिया मोड़ के समय एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने चलते ट्रक में घुसकर दे दी जान। युवक की उम्र 24 वर्ष बताई गई है, साथ ही युवक मानसिक तौर पर विक्षिप्त था। इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए कैमूर जिले में 50 परीक्षा सेंटरों का किया गया चयन, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दी जानकारी। मैट्रिक में 30,322 और इंटरमीडिएट में 21,226 परीक्षार्थी होंगे शामिल। भवा में बाइक चोर गिरोह के बढ़ रहे हौसले, थाने के सामने से हुई बाइक चोरी। नरहन छोटी गांव के निवासी मनोज गुप्ता की बाइक थाने के सामने से ही चोरी हो गई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कुदरा रेलवे स्टेशन के पास महिला के मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे उचक्के को लोगों ने दबोचा, थाने में गया मामला। कैमूर में दिन दहाड़े चोरी छिनौती के रोज आ रहे नए मामले, सतर्क रहने की है जरूरत। मोहनिया में चेकिंग के दौरान जब्त हुआ एक ट्रक शराब, एसपी कर रहे चालक से पूछताछ। उत्पाद विभाग और एंटी लीगल टास्क फोर्स ने पकड़ा भारी मात्रा में शराब। भवा के डुमरेट में RTPS कार्यालय का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए कीमती सामान, मामला हुआ दर्ज। पंचायत भवन के अभाव में डुमरेट के मध्य विद्यालय में चलता था RTPS कार्यालय। कैमूर PHED अभियंता ने बताया, नल जल को लेकर हर प्रखंड में दे विशेष ध्यान, गड़बड़ी की सूचना मिलने पर होगी जरूरी कार्रवाई। हर घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी पहुंचाने का है लक्ष्य। दसवें चरण के मतदान को लेकर आज भभुआ में होगा नामांकन, बनाए गए अलग अलग काउंटर। 8वें चरण में 8 दिसंबर से होगा भभुआ प्रखंड में मतदान। भगवानपुर और रामपुर प्रखंड में खत्म हुए प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया। 7वें चरण में भगवानपुर और रामपुर में 15 नवंबर से होंगे एक साथ पंचायती चुनाव। चांद प्रखंड के बिहूरी पंचायत में किसान चौपाल का हुआ आयोजन, किसानों को उत्तम पैदावार के बारे में दी गई जानकारी। किसानों को पराली न जलाने और कृषि संबंधित योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। अधौरा में इंटरनेट सेवा न होने से वैक्सीन और नामांकन के लिए कागज को ले जाकर भगवा करना होता है ऑनलाइन। वैक्सीन लगाने के बाद दिए जाते हैं मैनुअल कागजात, 4G के जमाने में 2G सेवाओं से भी वंचित है अधौरा। खबरों को विस्तार से पढ़ने और देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कैमूर न्यूज ऐप।